हेलो एवरीवन, आज हम जानने वाले हैं G20 के बारे में। आपने G20 का नाम तो बहुत सुना होगा क्योंकि आजकल न्यूज़ में सिर्फ G20 की ही चर्चा है, क्योंकि उस शिखर सम्मेलन में हमारे श्री प्रधानमंत्री जी भी मौजूद हैं। तो चलिए आज हम जानने वाले हैं कि ये G20 होता क्या है। तो दोस्तों, जी का मतलब होता है ग्रुप और 20 का मतलब होता है 20 देश, मतलब 20 देशों का समूह को कहा जाता है G20। तो इन 20 देशों में से 19 देश हैं और जो 20वां है वो यूरोपीय संघ है। अगर आपको यूरोपीय संघ नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं इसके रिलेटेड भी एक वीडियो बना दूंगी। चलिए आगे जानते हैं। तो दोस्तों, इन 19 देशों में कौन से देशों का नाम है चलिए जानते हैं। G20 समूह में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। और 20वां जो है वो है यूरोपीय संघ। तो कुल मिला के कितने होते हैं G20। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि G20 क्या होता है, 20 देशों का समूह जिसे हम G20 कहते हैं। साल में एक बार G20 का सम्मेलन होता है। आप सब जानते ही होंगे और न्यूज में देखते ही होंगे कि G20 2022 इंडोनेशिया के बाली में हो रहा है और जहां हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी भी प्रेजेंट है। ये सारे देश मिलकर ना सिर्फ ग्लोबल इकोनॉमिक पे काम करते हैं बल्कि आर्थिक स्थिरता और हेल्थ से जुड़े मुद्दे पर भी काम करते हैं और चर्चा करते हैं। इस G20 सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि आर्थिक स्थिरता को कंट्रोल कैसे किया जाए और इसी सारे मुद्दों पर, गंभीर मुद्दों पर चर्चा की जाती है। पहली बार G20 की बैठक 1999 में हुई थी और कहाँ हुई थी, बर्लिन में हुई थी। जी हाँ, इसकी शुरुआत हुई थी 1999 में। आपको बता दूं कि 2021 का शिखर सम्मेलन इटली में हुआ था, 2022 का इंडोनेशिया के बाली में हो रहा है और अगले साल हमारे इंडिया में होने वाला है। जी हाँ, हमारे इंडिया में G20 का शिखर सम्मेलन आयोजित होने वाला है, जो कि कहाँ होगा, न्यू दिल्ली में। आज ही इंडोनेशिया ने भारत को G20 की अध्यक्षता सौंप दी है और ये हमारे पूरे भारत के नागरिक के लिए गर्व की बात है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि श्री नरेंद्र मोदी जी इस G20 सम्मेलन में बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। COVID-19 की वजह से हमारी जो अर्थव्यवस्था है, पूरे वर्ल्ड की जो अर्थव्यवस्था है, डगमगाई हुई है। तो उस अर्थव्यवस्था के संकट से उबरने के लिए और ऊर्जा खाद्य सुरक्षा को लेकर अपनी बात रखने वाले हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो इस चैनल पे मिलती रहेंगी। और वीडियो को बहुत सारा लाइक, कमेंट और शेयर करें। और अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे दे सकते हैं, मुझे बुरा नहीं लगेगा। सजेशन अच्छा भी आप लिख सकते हो और सजेशन में आप कुछ नेगेटिव भी लिख सकते हो। अगर आपको पसंद नहीं आया या मैंने कुछ गलत बोला है या मैंने ठीक से नहीं एक्सप्लेन किया है तो वो भी आप मुझे बोल सकते हैं, मैं मेरे वीडियो में इम्प्रूवमेंट लेके आऊँगी और इसके बाद मैं अपने वीडियो में काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर लूँगी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो चैनल को बहुत सारा सब्सक्राइब करें, वीडियो को बहुत सारा लाइक, कमेंट, शेयर करें। थैंक यू so much.